Hello friends, this is the first lecture of Polity, in which we study about Indian Constitution. ऐसे आप धीमे धीमे करके पॉलिटी के लेक्चर्स आएंगे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको पता भी होना चाहिए. तो प्रीएम्बल होता है क्या? प्रीएम्बल इज ए कस्टमरी बट नॉट कंपल्सरी फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव ए प्रीएम्बल. तो जो अनरिटन, पहले इसके अलावा अनरिटन जो अपने कॉन्स्टिट्यूशंस होते थे किसी भी कंट्री के, तो उसमें प्रीएम्बल नहीं होता था. लेकिन जो रिटन होते थे उसमें प्रीएम्बल हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था. तो जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935 में जब बनाया गया था, उसमें प्रीएम्बल वर्ड नहीं था, प्रीएम्बल था ही नहीं उसमें. लेकिन बाद में जब इसको 1949 में बनाया गया, तो उसमें इस चीज को लाया गया. तो अब पर्पस क्या होता है प्रीएम्बल का? पर्पस ऑफ प्रीएम्बल कुछ इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें और भी है. तो प्रीएम्बल पर्पस क्या है? तो इसके मेनली दो पर्पस होते हैं. तो पहला पर्पस है, प्रीएम्बल डिक्लेयर्स दैट सोर्स ऑफ पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल देमसेल्फ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अराइजेस फ्रॉम पीपल ओनली. मतलब जो सोर्स ऑफ पावर है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ पावर वो पीपल है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अराइज होता है वो पीपल से ही, लोगों, जनता से ही होता है. ठीक है, पहला तो इसका पर्पज ये था बताने का कि जो जनता होती है वही ही अल्टीमेट सॉवरेनिटी होती है, वही सब कुछ होती है. सेकेंड में पर्पज था, प्रीएम्बल कंटेन्स द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ दिस कंट्री. जो हमारा प्रीएम्बल है वो दो चीज कंटेन करता है. तो आइडियल्स में है, क्या है? जो आइडियल्स है वो सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक. लेकिन जो एस्पिरेशंस हैं वो है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी. ठीक है, ये चीजें अपनी इसके पर्पज है हमारे. तो चाहे पर एक बार इसको देख लेते हैं अपना कि प्रीएम्बल अपना है क्या. तो एज पर अवर प्रीएम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सर्मली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इन टू ए सवर ग्रीन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर. इसके अलावा बोला गया है सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन. जो सिक्योर किया गया वो क्या क्या है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. इसके अलावा लास्ट में लाइन और है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 इसको अडॉप्ट किया गया था. डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनएक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब इसमें एक एक पॉइंट करके हम देखते हैं कि जो आइडियल्स थे और जो एस्पिरेशंस थे उनका क्या क्या मीनिंग्स है. तो सॉवरेनिटी का मीनिंग था, अगर सॉवरेनिटी का मीनिंग बोला जाए तो इट इम्प्लाइज द कंट्री गवर्नमेंट इज टोटली इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट एक्नॉलेज एनी अदर पावर एज सुप्रीम विथ रिगार्ड टू गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. मतलब जो हमारे कंट्री की गवर्नमेंट होती है, जो अपनी जो सरकार होती है वो टोटली इंडिपेंडेंट होती है, उसके ऊपर कोई राजा या किसी तरह से दबाव नहीं होता है, वो डिसीजंस ले सकती है क्योंकि वो जनता से चुन के जाती है, इसीलिए वो सॉवरेनिटी है. मतलब उसके ऊपर कोई हेड नहीं है, मतलब वो जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि ही होते हैं. तो पहला आइडियल्स हो गया सॉवरेनिटी. सेकेंड है सेक्युलरिज्म. तो सेक्युलर जो अपना कंट्री है वो सेक्युलर है, और उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टेट शुड नॉट हैव ए स्पेसिफिक रिलीजन टेकन ओवर इट.
जो किसी भी स्टेट मतलब किसी भी कंट्री या किसी भी उस कंट्री के स्टेट जो हमारा कंट्री हमारा देश या उसका कोई भी स्टेट का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, कोई ऐसा कोई रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है। सेकंड और इस क्लोज में और क्या है, कोई भी रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि जो अपना ये है इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे इंडिया में सेक्युलरिज्म को डिफाइन किया है, सेक्युलरिज्म मींस दैट स्टेट शैल नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री, दैट इज इंडियन स्टेट इज नीदर रिलीजियस नॉर एंटी रिलीजियस नॉर इ रिलीजियस, इट इज नॉन रिलीजियस। इसके अलावा दो हो गए अपने आइडियल्स, थर्ड आइडियल्स है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म को जो अपना सोशलिज्म वर्ड था इसको एज पर आर्टिकल 39B और 39C में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसमें क्या क्या चीज़, 39B और सी के हिसाब से जो अपने मटेरियल रिसोर्सेस हैं जो अपने सोसाइटी में वो सब तक हर एक कंट्री के लोगों तक पहुंचना चाहिए, एवरीवन टू एवरीवन। और जो वेल्थ है कंट्री की वेल्थ है वो किसी एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, वो उसको फैलना चाहिए, मतलब जैसे पैसा इनकम है इकोनॉमी, इकोनॉमी किसी एक जगह कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, वो फैलनी चाहिए पूरे ऑल ओवर इंडिया फैलनी चाहिए, जिससे लोग एक को रिच ना हो, एक किसी के पास पावर ना रहे, सब अपना अपना वो पावर डिवाइड रहे। तो ये मतलब इसी को कंप्लीट नेशनलिज्म के लिए सोशलिज्म होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये वर्ड ऐड किया गया था एज पर आर्टिकल 39B और सी के तहत। इसके अलावा नेक्स्ट आइडल था डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक में के लिए था कि जो हमारा कंट्री मतलब ये पूरा पूरी तरह से लोगों पर है, लोग ही चुनते हैं लोगों को और उनको लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर, विधानसभा मेंबर वो बनाते हैं, राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं, तो लोगों द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि ही वोट में रहते हैं, तो वही चुनते हैं। तो जो हमारा कंट्री है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक की बात भी करता है। इसके अलावा लास्ट आइडल है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक बताता है कि जो हमारा देश है अवर कंट्री अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बोलता है हमारा कि जो हेड ऑफ द स्टेट है या हेड ऑफ द कंट्री है वो इलेक्ट किया जाता है, वो हेरिडेटरी नहीं है, वो किसी को मिला नहीं है पुश्तैनी कि वो राजशाही शासन नहीं है कि राजा के बेटा राजा के बेटा राजा, ये इलेक्ट किया था, इसको लोग चुनाव के द्वारा ही इलेक्ट करते हैं। तो जैसे हेड ऑफ द कंट्री होता है प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आइडल्स। अब एस्पिरेशंस क्या होते हैं, एस्पिरेशंस जो हमारे हैं वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस में मतलब पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए और इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, और लिबर्टी जब बात करें तो लिबर्टी होना चाहिए लोग मतलब लोगों को लिबर्टी होनी चाहिए, मतलब कि कोई बात बोलनी हो तो बोल सके लेकिन एक मेजर्स में रह के, ऐसे भी कुछ नहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, तो उसके पास लिबर्टी होनी चाहिए। इक्वलिटी जो हमारा प्रेम्बल है वो इक्वलिटी की बात करता है, स्टेट और अपॉर्चुनिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की में के लिए इक्वलिटी की बात करता है, मतलब सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, स्टेटस भी सबका सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी किसी ने किसी एक वर्ग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही किसी दूसरे को मिल रही है, तो अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। फ्रेटर्निटी, तो जो फ्रेटर्निटी है इसकी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल हमारा करता है कि फ्रेटर्निटी इज द सेंस ऑफ ब्रदरहुड दैट प्रिवेल इन ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, इट मस्ट बी इंश्योर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। अब हम सेकंड बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग प्रीएम्बल के बारे में पढ़ चुके हैं,
तो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। रिजिड उस मामले में है कि वो एक रिटन, जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, ठीक है, लिखा हुआ है, जो लिखा है वो सच है, वो फॉलो होना है। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि उसमें पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, मतलब पार्लियामेंट ने उसको किसी चीज़ को पास कराना है तो उसको पास करा सकते हैं। जैसे नए रूल्स जो आते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी के तहत आते हैं, जो लिखा है उसको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो मतलब नए रूल्स लाने हैं, जो नए नए नियम बनते हैं, वो पार्लियामेंट में उनको असाइन कराना पड़ता है। तो इस वजह से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है, रिजिड लिखे होने में और फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि नए रूल पास हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इन्फोर्सेबल बट सर्व टू पर्पस। इन्फोर्सेबल नहीं, लेकिन ये दो पर्पस सॉल्व करता है। पहला, इट इंडिकेट द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू, विच इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टेब्लिश, ठीक है। और अभी इससे नीचे जो है कि जो सोशलिस्ट वर्ड, अभी हम लोग प्रीएम्बल में देखा था कि जो सोशलिस्ट वर्ड है वो बाद में इंक्लूड किया गया था आर्टिकल 39B में, वो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट था। वो हमारा कौन सा एक्ट था, वो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट था। अब हम देखते हैं कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जब बन रहा था तो कौन कौन से, किसने इसको आइडिया दिया, कब डिमांड किया गया, कौन इसमें प्रेसिडेंट था, तो ये चीज़ें। तो इसमें मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि जो इसका आइडिया था, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये दिया था मिस्टर M.N. रॉय ने 1934 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने का आइडिया 1934 में M.N. रॉय ने दिया था। जो अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने है, इसने ऑफिशियली, मतलब आइडिया उन्होंने दे दिया 1934 में, लेकिन ऑफिशियली डिमांड किया गया था इसे 1935 में, क्योंकि उस समय तक सब तैयार हो गए थे। इसकी फर्स्ट मीटिंग, क्योंकि उसमें 1935 में दिया, इन्होंने डिमांड किया था तो उसमें तो आज़ादी मिली थी, तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसे 9 दिसंबर 1946 को हेल्ड किया, उसको की गई थी जो पहली मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्योंकि उनको उस समय पता चल गया था कि हमको आज़ादी मिलने वाली, तो पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको मुस्लिम लीग जो थी, जो मुस्लिम लीग थी, उसने इसको अपोज किया, उसको बायकॉट कर दिया था, उन्होंने इसको बायकॉट कर दिया था कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के खिलाफ है, इसके हिसाब से नहीं चलना चाहता, तो ये एक डिमेरिट थी। इसके अलावा जो अपने हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे, ये सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली थे, उस असेंबली के जो थे उसमें ये सीनियर मोस्ट मेंबर थे, ये टेम्पररी प्रेसिडेंट भी चुने गए थे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फुल टाइम प्रेसिडेंट बन गए थे वो। इसके अलावा जो प्रोविजन था, प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट एंड टेम्पररी प्रोविजन जो थे वो 26 नवंबर 1949 में से इफेक्टिव हुए थे। जो सिटीजनशिप से रिलेटेड थे, इलेक्शन से रिलेटेड थे, पार्लियामेंट में प्रोविजन थे उसके लिए, टेम्पररी प्रोविजन थे, वो सब 26 नवंबर 1949 तक सब फिट हो गए थे। तो ये सारा कुछ फिट हो गया था, वो फिर 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। अब जब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कुछ कमेटी फॉर्म की गई थी इसको बनाने के लिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ कमेटी फॉर्म की गई थी। तो उस कमेटी को हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कमेटी कौन कौन सी थी। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो, उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
जो फ्लैग कमेटी थी, जो फ्लैग कमेटी थी उसके थे मिस्टर जेबी कृपलानी जी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो यूनियन का यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंसेस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। यूनियन पावर कमेटी की, यूनियंस को कौन कौन से पावर मिलेंगे इन सब के लिए जो कमेटी डिसाइड की थी उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की जो कमेटी थी उसके हेड भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम देखें कि जो हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उसका सोर्स कहाँ कहाँ था, क्योंकि ऐसा किसी को पूरा आइडिया तो ऐसे आ नहीं जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत समय की बात होती है। फिर भी जो कुछ कुछ आइडिया लिए गए थे, तो पहला आइडिया तो जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जब 1934 में मनरॉय जी ने एक आइडिया दिया था तो उस 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया काफ़ी रिसर्च करके। तो एक तो अपना मेन सोर्स वो था, तो उस सोर्स से हमें क्या, उस सोर्स में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया गया था, वो लिया गया था फेडरल स्कीम, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी पावर, एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। मतलब जो उन्होंने फेडरल स्कीम को उससे ली गई कि फेडरल स्कीम होनी चाहिए, इमरजेंसी पावर्स का डिक्लेरेशन ये लिया गया, उससे ये लिया गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा वो सेंटर सेंट्रल लेवल पे होगा और स्टेट स्टेट लेवल पे होगा। ये तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 1935 से इसको बोरो किया गया। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब वो लोग पार्लियामेंट सिस्टम फॉलो करते थे तो वो वहाँ से लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप की एक ही नागरिकता होगी उसको लिया गया, कि मतलब अगर इंडियन भारतीय नागरिक है तो वो कहीं और का नागरिक नहीं होगा, कहीं और की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट लिया था और उससे रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, जो अपना ज्यूरिडिक्शन है उसमें कई रिट्स हैं, बस का बस मैंडमस ऐसे करके 5 रिट हैं, तो वो सब हमने यूनाइटेड किंगडम से ली थी। इसके अलावा हम लोगों ने यूएसए से क्या क्या लिए थे, यूएसए से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स लिए थे, फंडामेंटल राइट्स जो हम लिए गए थे जो उसमें 6 हैं, तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू रिलीजियस राइट, ऐसे करके कई हैं, तो वो यूएसए से लिए गए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन भी हम लोगों ने यूएसए से लिया था। इसके अलावा हमने यूएसएसआर से क्या लिया था, यूएसएसआर से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी। फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें हम कितनी है, करंट में फंडामेंटल ड्यूटीज है 11, पहले 10 थी। आयरलैंड से उन्होंने क्या लिया, आयरलैंड से उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोगों ने आयरलैंड से ली। अब हम कुछ लैंडमार्क्स देख लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में आए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट और देश की आज़ादी ये सब एक 2 दिन का खेल तो था नहीं, काफ़ी सालों से चलता रहा, करीब 100-150 साल, तब जाके ये मुकाम हासिल कर पाए कि ये हम लोग का देश आज़ाद हुआ। तो इसका स्टार्टिंग 1773 से स्टार्ट हुआ, उस समय सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। 1784 में जो गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गया, डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। तो 1833 तक जो सेंट्रलाइजेशन था, सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया, जो पूरा देश था वो सेंट्रलाइज हो गया। 1773 से स्टार्ट हुआ सेंट्रलाइज होना, पहले क्या था अलग अलग प्रोविंसेस थे, अलग अलग चल रहा था, लेकिन 1833 तक जो सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया, मतलब वो पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट से चालू राज होने लगा। फिर 1853 में क्या हो गया, 1853 में एग्जीक्यूटिव सेपरेटेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव, ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस हो गया, जो एग्जीक्यूटिव था उस लेजिस्लेशन से सेपरेट कर दिया गया, अब सीधे ओपन कंपटीशन ला दिया गया। फिर 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लाए गए। इसके बाद 1861 में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन हो गए, डिसेंट्रलाइजेशन चालू हो गया 1861 में। 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रिंसिपल
आया, बजट डिस्कस होने लगे, मतलब कंट्री एक वो सेंट्रलाइजेशन फॉर्म में वो कंट्री एक कंट्री के रूप में काम होने लगा। हम गुलाम थे लेकिन जो देश था एक कंट्री जैसे चलो, बजट डिस्कस होने लगे। उस समय आईएएस ऑफिसर, आईसीएस ऑफिसर का सिलेक्शन होने लगा, ऐसे कई चीजें होने लगी। स्कूल खुले क्योंकि उनको देश को भी चलाना था। उसका 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ, अलग अलग इलेक्शन होने लगे। फिर 1919 में डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट इन टू लिस्ट, डायरेक्टली इन प्रोविंसेस एंड बाई कैमरलिज्म एट सेंटर, जो डायरेक्ट इलेक्शन होने लगे। प्रोविंसेस में डायरेक्टली चल रही थी और बाई कैमरलिज्म सेंटर में। 1935 में डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट तीन लिस्ट में हो गया, सेंटर, प्रोविंसेस एंड ऑटोनॉमी। 1990 में दो थी, प्रोविंसेस और सेंटर। 1935 में तीन हो गए, सेंटर, प्रोविंसेस और ऑटोनॉमी। तो ये आज के लेक्चर का हो गया। तो प्लीज अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड नेवर मिस प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।